8 में आज सुबह लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग हमारा साउथ अंडमान सी एरिया में, ये डिप्रेशन में कॉन्सेंट्रेट होने का चांसेस है इसका कल 9th मई तक सेम एरिया में, फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है साइक्लोनिक स्टॉर्म में 10th मई में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अंडमान सी एरिया में। और इसका मूवमेंट जो है इसका मूवमेंट हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड का तरफ रहेगा 11th मई तक, उसका बाद रिकर्व होकर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूवमेंट रहेगा बांग्लादेश म्यांमार का कोस्ट का तरफ। इसका रिगार्डिंग अभी हमारा अगला चार पांच दिन के लिए उड़ीसा के लिए कोई वार्निंग नहीं है। अभी हमारा फिशरमैन का डीप सी एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल अंडमान सी एंड सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ये सब एरिया में जाने के लिए मना किया है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी एरिया में आज से जाना मना है, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में कल से जाना मना है। टूरिस्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन सूचित किया है इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड में बैड वेदर कंडीशंस क्वाली वेदर हाई स्पीड रहने का चांसेस है, तो 8 से 12 तक अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिस्ट का टूरिज्म एक्टिविटी रेगुलेट किया जा रहा है। अभी हमारा पिछले 24 घंटा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेनफॉल हुआ है, हाईएस्ट रेनफॉल था गजपति डिस्ट्रिक्ट का में, गजपति डिस्ट्रिक्ट का नोआगरा में 72.4 मिलीमीटर, और मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट था उंगुल में 41.7 डिग्री सेल्सियस कल। अभी हमारा थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटी के साथ पिछले अगला 24 घंटा में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दूजा करके होने का चांसेस है, मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल नोआपारा कालाहांडी नयागढ़ खुर्दा पुरी केउंझर मयूरभंज बालासोर ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बट अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा कल से, एक दो जगह में करके ही बारिश होने का चांसेस है, तो इसका वजह से अभी क्लाउडीनेस कम रहेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और डी टेम्परेचर इंक्रीज करने का चांसेस है, और भी पिछले 24 घंटा में इंक्रीज किया था और भी 2-3 डिग्री इंक्रीज करने का चांसेस है अगला 2 दिन के अंदर, फिर अगला 4-5 दिन तक हॉट और डिस्कम्फर्ट वेदर होने का चांसेस है उड़ीसा का कुछ कुछ एरिया में, 40 एंड अबव टेम्परेचर भी होने का चांसेस है कुछ एरिया में। भुवनेश्वर सिटी में पिछले 24 घंटा में कल हमारा 37.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम था, आज 39 का आसपास जा सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर।